बोल रहा है और अल्लाह पाक हुक्म करेगा कि मेरे सामने सजदे में आओ, सजदे में चले जाओ। या दुनिया में मेरे लिए सजदे कौन करता था? हामिद करता था कि माजिद करता था कि अब्दुल्ला करता था कि अब्दुल रहमान करता था, महमूद करता था कि कौन करता था, सैद करता था या बकर करता था? अल्लाह को बखूबी इल्म होगा, उसके बावजूद भी अल्लाह अपने सामने कहेगा लोगों से कि मेरे सामने जरा सजदे बजा ला। दुनिया के मुजरिमीन, दुनिया के बेनमाजी सर को सजदे में रखना चाहेंगे, झुकना चाहेंगे। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला उसकी कमर की हड्डी को भी उल्टा करके रखेगा। ला यस्तदीउन, लाख कोशिश करेगा वो झुक नहीं पाएगा। क्यों? खाशियतन अबसारहुम तरहुम सिल्ला, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और पावकुर के ऊपर सिल्ला छा रही होगी। खाशियतन अबसारहुम तरहुम सिल्ला वक़द कानू युदाउन इला सुजूद वहुम सालिमून, इसलिए कि दुनिया के अंदर सही सालिम थे, हट्टे कट्टे थे, इनके जिस्म के अंदर ताकत थी, तवाना थे, तंदुरुस्त थे, इसे सजदे के लिए बुलाए जाते थे, इन्हें नमाज की दावत दी जाती थी, सही सालिम होने के बावजूद भी वो सजदे के लिए नहीं आते थे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में भी हाजिरी नहीं हुआ करती थी। ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। बेनमाजी की जगह कहाँ है? जहन्नम है। कोई समझौता नहीं, मेरे रब ने कुरान करीम के अंदर खोल खोल के बयान कर दिया, चाहे कोई मस्जिद में बयान करे ना करे, मेरे रब ने कुरान करीम के अंदर ये फरमा दिया, बेनमाजी की जगह जहन्नम ही है। कोई समझौता नहीं, बेनमाजी का अंजाम जहन्नम है, कब्र में उसके ऊपर 70 अजदे वसूल किए जाएंगे। बेनमाजी बेजमीनारी की जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारता हुआ चला जाएगा। बेनमाजी की कहीं भी कोई अहमियत अल्लाह शरीयत में नहीं बताई। आप जानते हैं हिसाब हो जाएगा, किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह का हुक्म होगा जन्नती जन्नत के अंदर चले जाए और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाए। जन्नती लोग जन्नत में मजे लूट रहे होंगे, मजे लूट रहे। जहन्नमी लोग जहन्नम में धक्के खा रहे, कभी प्यास प्यास की सदा बुलंद कर रहे, कभी पानी पानी की सदा बोल रहे, अल्लाह मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, क्या मिलने वाला, कभी कौन भी दिया? अल्लाह का कुरान बोलता पीने के लिए जहन्नमियों को जो चीज दी जाएगी वो क्या होगा? हाँ, हाँ होगा। हाँ क्या है? हाँ, यदि गर्मा हाँ है, गर्मा गर्म पानी, बिल्कुल हाँ, इतना गर्म पानी होगा कि तलफाओ वजूह, तलफाओ वजूह, इतना गर्म पानी जहन्नमियों को पिलाया जाएगा, उसे दिया जाएगा। क्या नहीं, वो पानी का बर्तन फरिश्ते अपने हाथ के अंदर लिया ही होगा, उनके करीब अभी पहुंच ही रहा होगा कि उनके चेहरे झुलस जाएंगे। अब बताइए, जहन्नमी के चेहरे पानी पीने से पहले ही झुलस गए, फिर भी वो कह रहा अल्लाह मुझे पानी चाहिए पानी, वो गर्मा गर्म पानी जहन्नमी को दिया जा रहा है, आग के अंदर थमाया जा रहा है, पानी ले रहा है, पी रहा है, अंतरिया बार पर मिल रहा है, फिर जहन्नमी भूखी सदा लगा रहा है, भूख भूखी सदा लगा रहा है, आवाज दे रहा है अल्लाह मुझे जहन्नम के अंदर बहुत भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए। अल्लाह पाक ने जहन्नम के अंदर सरकोना भी दरख्त पैदा फरमाया है, ऐसा दरख्त जो अल्लाह ताला आग के अंदर पैदा फरमाया है, आग के अंदर सरकोना का दरख्त है, जब उसे खाने के लिए दिया जाएगा। और कुरान कहता है दूसरी जगह के ऐसा खाना का इंतजाम अल्लाह पाक ने किया है, यानी इसमें हलक के अंदर अटकने वाला खाना है, कामन सावस्ता अल्लाह ने कहा है, अटकने वाला खाना, ऐसा खाना जहन्नमियों के लिए अल्लाह ने
जहन्नमी का जवाब क्या होगा? दुनिया में जाए भले रहे होंगे, दुनिया में पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, लेकिन कुरान बोल रहा है जहन्नमियों का जवाब क्या होगा जन्नतियों के सवाल के जवाब में क्या? लम्नतु मिनल मुसल्ली, हम लोग दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, दूसरा जवाब चरण नहीं दे रहा है, हालत हम लोगों के पास तो बहुत रुपए पैसे थे, अल्लाह अजराते खाने बहुत बना करते थे, बकरी चूहे बिल्ली ये तमाम के तमाम जानवर हमारे खाने को तो खाया करते थे, लेकिन मिस्कीन को हम लोग खाने नहीं खिलाया करते थे, अल्लाह के अहकाम की धज्जियां उड़ाया करते थे, नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, बंदों के हुकूक जो हमारे ऊपर आए थे, मिस्कीन को खाना खिलाना इसकी भी हम धज्जियां उड़ाया करते थे। कुन्ना नखुज़ुल ख़ाइसीन, और क्या था दुनिया में? हम अपने साथियों के साथ महफिल जमा जमा कर बहस किया करते थे, फजूल बकवास किया करते थे, कुन्ना नखुज़ुल ख़ाइसीन, हालत हमारी ये थी, अनाबसना की महफिल हम जमाया करते थे, हंसी मजाक ठट्टे हम किया करते थे, अल्लाह के अहकाम जो हम दुनिया के अंदर भूल गए, नमाज कभी नहीं पढ़ा करते थे, मिस्कीन को कभी नहीं खिलाया करते थे, बहस करने वालों के साथ खूब पैसे किया करते थे, हत्ता अतान अल यकीन, यही हालत हमारी दुनिया के अंदर थी कि मौत आ गई, मौत आ गई और हम चले आए, मौत आ गई और हम चले आए। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी हमें शेंद रोदल नहीं, कितना आप जी कितना फिर भी मरना है, जाना है अल्लाह के पास, एक एक क्षण और एक एक घड़ी का हिसाब उसे हमारा बढ़ लेगा, जानते सारी जिंदगी भी हम रब की फरमा बरदारी में गुजार के दिए गए, तो ये आप एक अमली की पोड़ की भी कीमत अदा नहीं कर सकते, ये नमाज ये तो मेरी जो उलिया दी है इसकी आप कीमत अदा नहीं कर सकते, सारी जिंदगी भी अल्लाह के अगर आप फरमाबरदारी रसूल की इताअत में गुजार दिए जाएंगे, अब आप जानिए कि हमारी सारी जिंदगी रब की नाफरमानी में गुजर रही है, फिर हमारी निशान कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? नहीं बोल सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है, बाकी ताला जो बातें बयान की गई है हमें सबसे पहले तो तौफीक दे के हम उस पर अमल पैरा हों।